हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली इस टॉपिक पर है कि हमने जो अपना किचन रेडी करवाया, ऑलमोस्ट हमारे किचन को 2.5 ईयर्स हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए, तो कौन कौन सी मिस्टेक्स मुझे लगी कि हमने की जब किचन हमने बनवाया, बिकॉज हमने किसी प्रोफेशनल से किचन नहीं बनवाया, हमने खुद ही डिज़ाइन किया था सारा। सो इसलिए काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई हैं जो मुझे लगता है कि वो नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर आप ये वाली वीडियो एंड तक देखोगे तो आप वो सारी मिस्टेक करने से एक्चुअली बच सकते हैं, तो आपके काफ़ी सारे पैसे भी सेव हो जाएंगे, तो आपको बाद में रिग्रेट भी नहीं होगा। बिकॉज किचन ऐसी चीज़ है कि हम एक ही बार जब हाउस बनवाते हैं तो तभी बनवाते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम बार बार उसे बनवा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उन्हीं वाली मिस्टेक्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरा किचन टूर नहीं देखा तो उसका लिंक जो है मैं यहाँ पर दे दूँगी, तो आप बाद में जाकर देख सकते हैं। और अब मैं बताती हूँ कि मिस्टेक्स क्या हुई हैं हमसे हमारी किचन बनवाने में। तो जो कुछ तो ऐसी हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा हैवी पड़ी हैं हमारी पॉकेट पे, सो आप उससे बच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो मिस्टेक नंबर वन इज़ कि हमारा जो आप पीछे देख ही रहे हैं कि जो काउंटर टॉप है वो वाइट कलर का है, और जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुए है इसमें, मतलब इसकी जो प्लेसमेंट में है वहाँ पे मिस्टेक हुई है कि हमने जो इसे इंस्टॉल किया वो सही से नहीं हो पाया, जिसके कारण हमारा जो काउंटर टॉप है वो शैटर्ड हो गया। मतलब शैटर्ड इन द सेंस कि उसके काफ़ी सारे पीसेज उसमें क्रैक्स आ गए हैं, 2.5 मतलब आ गए थे 1.5 ईयर के बाद ही। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपको पहले तो दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे क्रैक्स आए हैं हमारे जो काउंटर टॉप में। सो इन वाले क्रैक्स आने का रीज़न ये है कि हमारा जो काउंटर टॉप है वो ना नीचे से हॉलो है। हॉलो इन द सेंस कि जो ये मार्बल है इसके नीचे कोई सॉलिड बेस नहीं है। मतलब हमने मतलब करना जो चाहिए था कि प्लाई बोर्ड एक नीचे रख के उसके ऊपर इसे पेस्ट करना चाहिए था इस वाले जो मार्बल को है। वैसे अगर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो पहले ही बता दूं, ये वाला जो वाइट मार्बल है ये है हमारा नैनो वाइट मार्बल, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा हमें। 30,000 का ये इतना सा स्लैब हमें पड़ा, तो बहुत ही जल्दी ये क्रैक हो गया। तो उसका रीज़न था कि इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल अच्छे से नहीं हुई थी, तो हमें नीचे प्लाईवुड के नीचे बेस देना चाहिए था, उसके ऊपर इसे पेस्ट करना चाहिए था। इंस्टेड हमने किया क्या कि जो कैबिनेट्स थी हमारी उसमें हमने ऐसे सपोर्ट के लिए प्लाईवुड के बॉक्सेस ऐसे बनाए और उसके ऊपर इसे प्लेस कर दिया, तो जो बीच में एयर पॉकेट्स बन गई, कैविटीज़ बन गई, उसकी वजह से ये मतलब जब भी इस पर कुछ गिरा, मतलब गिर तो जाता ही है जब हम किचन यूज़ करते हैं, तो गिरने से वो एकदम से उसमें क्रैक आ गया। तो जो क्रैक है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब एक बार इसमें क्रैक पड़ता है तो ये एंड तक जाके ही रुकता है। सो वो काफ़ी फिर यूज़ के बाद वो ब्लैक हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तो फर्स्ट मिस्टेक थी जो हमारी काउंटर टॉप प्लेसमेंट में थी, वहाँ पर मिस्टेक हो गई। तो अभी क्या इसे हम इतनी जल्दी चेंज भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा जो टॉल यूनिट है वो इसके साथ अटैच्ड है, तो वो सभी रिमूव करना पड़ेगा, तो इतना ईजी नहीं है। तो सारा सिस्टम जो किचन का कैबिनेट्स का है वो हिल जाएगा अगर हम इसे इतनी जल्दी रिप्लेस करेंगे तो। सो ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा आपने माइंड में रखना है कि जो काउंटर टॉप है उसे आप अच्छे से प्लेस। सो अब आते हैं मिस्टेक नंबर टू पर। जो मिस्टेक नंबर टू है वो क्या है कि जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि जो मेरे पीछे हॉब टॉप है, हमने हॉब टॉप लगवाया है अपने जो किचन में है, ये क्या होता है कि काउंटर के अंदर फिक्स होता है। जो हमारा ग्रेनाइट होता है ना, हम उसमें ऐसे काट कर उस पत्थर को, तो उसमें इसे प्लेस किया जाता है। सो इसके लिए क्या है कि आप सबसे बेस्ट मतलब सर्च कीजिए, जो सबसे बेस्ट हॉब आता है उसे ही प्लेस कीजिए, जो कभी ख़राब ना हो, मतलब कभी इन द सेंस कि 5-6 ईयर्स आराम से निकाले।
तो अगर आप क्या है कि अभी इस हॉप टॉप में जो पैसे प्राइस है कट डाउन कर दोगे, तो कुछ ऐसा लगा लिया जो साल 2 साल बाद चल के खराब हो गया, जैसे कि हमारे पास जब हमने लगवाया था हमें इतनी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, सो हमें लगा कि प्रेस्टीज इज अ गुड ब्रांड, तो हमने उसी का ये चूज कर लिया और इसने हमें इतना ज्यादा हार्ड टाइम दिया कि इतना ज्यादा खराब है। अभी भी इसके ये बड़े वाले दोनों बर्नर खराब हैं, मैं छोटे वाले दोनों बर्नर पर ही काम करती हूँ, तो इसने बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम दी है। तो एक मैं अलग से वीडियो भी है मेरा हॉप टॉप के ऊपर, सो वो बहुत ही मतलब इसका वर्स है हमारा जो एक्सपीरियंस। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप इतना बेस्ट चूज़ करो कि आराम से 5 से 6 साल तो आपके निकाले, सो दैट कि बिकॉज हमारा जो मार्बल है हम कट करने वाले हैं, तो अगर हम कल को इसे लाइक 6 7 महीने साल बाद इसे चेंज करने की सोचें तो हम नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या कि इसका जो मेजरमेंट है हमने उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो मार्बल है उसे कट किया है, तो अगर हम कल को चेंज करना चाहें तो ये सारे हॉप टॉप की लेंथ ब्रेड्थ सबकी डिफरेंट होती है, तो हम इतना इजीली इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर हम मार्बल दोबारा से कट करवाएंगे तो उसमें मार्बल के शैटर्ड होने के भी चांसेस होते हैं, और उससे बड़ी बात कि हमारा जो स्पेस होता है हमने वो फिक्स किया होता है, मतलब अंदर उसकी कैविटी बनाई होती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल होगा कि हम जो अपना मार्बल है उसे बड़ा या छोटा कर लें, नो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने हॉप टॉप लगवाना है तो वही वाला मॉडल हमें रिप्लेस करके लगवाना पड़ेगा। सो पहली बार में ही अपना हॉप टॉप इतना बेस्ट चूज़ कीजिए कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए, जैसे कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो जो मिस्टेक नंबर थर्ड है वो भी इसी से जो है मिलती जुलती है, उसका वो थर्ड नंबर मिस्टेक क्या है कि चिमनी, जो चिमनी है आपने वो भी बहुत ही ध्यान से रिसर्च करके अच्छे से सिलेक्ट करनी है, ताकि बिकॉज अभी देखिए हमारी जो चिमनी है इसके इस साइड भी कैबिनेट है, इस साइड भी कैबिनेट है, तो बीच का जो मेजरमेंट है हमने प्रॉपर मेजरमेंट लेके ही उसका जो बॉक्स है उसे रखा है। अभी सारी चिमनीज जो हैं वो अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं, अगर हम कल को इसे चेंज करना चाहें तो इतना इजीली नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज सबका लेंथ ब्रेड्थ डिफरेंट होता है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो टच वुड अभी तो हमारी चिमनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये मतलब मिस्टेक एक हो सकती है कि अगर आपने गलत से जहाँ ऐसी कोई चिमनी चूज़ कर ली जो बाद में आपको प्रॉब्लम दे, तो आप इसे इतना इजीली रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो मेरी जो नेक्स्ट जो मिस्टेक हमने की वो मुझे पर्सनली फील होता है, वैसे इतनी बड़ी वो मिस्टेक नहीं है तो, लेकिन मुझे फील होती है उस वो क्या मिस्टेक है कि जब हम किचन बनवा रहे थे तो हमारा माइंडसेट था कि हमें दो कलर चूज़ करने हैं, एक डार्क एक लाइट, लाइट तो हमने वाइट ही चूज़ किया एंड डार्क चूज़ किया हमने डार्क ग्रे, तो जो ग्रे चूज़ किया है मेरे माइंड में उस टाइम में ये था कि वाइट बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, सो मैं वाइट को नीचे नहीं रखना चाहती थी, सो मैंने नीचे वाले जो कैबिनेट्स हैं ये सारी ग्रे कलर की चूज़ की कि इसे ग्रे करना है और ऊपर वाले सारे कैबिनेट्स को वाइट करना है। यहीं पर हुई सबसे बड़ी मिस्टेक, मिस्टेक क्या हुई कि जो हमारा माइंडसेट है कि वाइट कैबिनेट ज़्यादा गंदी हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो वाइट कैबिनेट है इनफैक्ट वो कम गंदी होती हैं, और जो डार्क कलर के हैं नीचे मैंने लगवाई ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी होती हैं। गंदी इन द सेंस कि अगर हम काम कर रहे हैं जो जब किचन में कुछ भी हाथ लगता है, प्रिंट लगता है हाथ हाथों का, या फिर पानी स्प्लैश होता है, तो वो जो डार्क कलर है उस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब दिखता है वो, और वाइट कलर पे बिल्कुल भी नहीं दिखते वाटर के स्पॉट्स। तो इसलिए ये मिस्टेक मुझसे हो गई कि वाइट कलर मुझे नीचे रखना चाहिए था और जो ग्रे कलर था वो मैंने ऊपर वाली कैबिनेट में डालना था, तो इस वजह से अब नीचे वाली कैबिनेट्स में इतने ज़्यादा वाटर मार्क आते हैं तो उसे क्लीन करना टफ टाइम हो जाता है। सो ये मुझसे एक मिस्टेक मुझे लगा कि हो गई, तो ऊपर नीचे ये स्विच करना था। ओके सो जो मेरी नेक्स्ट मिस्टेक है वो क्या हुई कि मिस्टेक नंबर 5 पर आ गए आई गेस अब हम, तो वो मिस्टेक क्या है कि जो मैंने मेरा वैसे तो ये मैं से मिस्टेक भी नहीं इतनी बोलूँगी बिकॉज हमारे पास स्पेस नहीं थी, तो इसलिए हमने ये वाला चूज़ किया जो सिलेक्शन है, यहाँ पे माइक्रोवेव यहाँ पे ओटीजी, तो बिकॉज माइक्रोवेव हमारे पास पहले था तो ओटीजी हमने बाद में लिया, तो यही बेस्ट मतलब मेरी किचन के अकॉर्डिंग यही सूटेबल था।
लेकिन मुझे इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो ओटीजी है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है जब हम उसे यूज़ करते हैं। सो इसके लिए ना हमें स्पेस इसके ऊपर थोड़ा सा, मतलब इतना सा स्पेस तो होना ही चाहिए ताकि इसे मतलब प्रॉपर एयर मिले, वेंटिलेशन हो। सो इसमें हमारे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से मैं इसे यहीं पर रखकर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो इसे अगर मैंने यूज़ करना है तो इसे मैं बाहर निकाल कर सेल्फ पर मतलब रख के वहाँ पर इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो ये एक मिस्टेक है कि बार बार इसे ऐसे निकालना, बाहर रख के यूज़ करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है, बहुत टफ हो जाता है। मतलब जब हमारे किचन में भी सारा सामान फैला हुआ हो तो इसे भी बाहर निकालना हो वो बहुत टफ हो जाता है। ये भी एक मिस्टेक है कि इसके ऊपर स्पेस होना चाहिए था ताकि मैं इसे यहीं पर रख के ही यूज़ कर पाती। सो जो हमारी मेरी नेक्स्ट मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 6, तो वो क्या है, वो भी बहुत एक्चुअली बड़ी है मिस्टेक। वो क्या है कि जो हमारा सिंक, वैसे मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, ये मुझे करना ही पड़ रहा था तो इसलिए मैंने किया। तो आप अगर बच सकते हैं तो इससे बच सकते हैं। वो कैसे कि हमारा जो सिंक है वो यहाँ पर है, तो सिंक के पास का एरिया जो मतलब साथ है सिंक के, मतलब काउंटर टॉप का एरिया, वो हमें क्लीन रखना है। मतलब वहाँ पर कोई भी कैबिनेट, जैसे कि हमारे यहाँ पे टॉल यूनिट है, सॉरी ये शटर वाला जो यूनिट है वो वाला बना हुआ है, तो आपने ये वाला एरिया बिल्कुल क्लीन रखना है। यहाँ पे कुछ भी कैबिनेट नहीं होनी चाहिए, प्लेन काउंटर टॉप होना चाहिए ताकि जब हम अपने यूटेंसिल वॉश करें तो उसे रखने के लिए, ड्राई करने के लिए हमारे पास जगह यहाँ पर होनी चाहिए। अगर नहीं होता तो जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पर टॉल यूनिट है, तो अब क्या प्रॉब्लम आती है कि जब मैं यहाँ पर यूटेंसिल क्लीन करती हूँ तो उसके बाद में उसे यहाँ पर रखती हूँ, तो यहाँ पर रखती हूँ तो इसके साथ टच होते हैं यूटेंसिल, प्लेट्स वगैरह मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो ओवर द टाइम, जब मतलब पहले तो 1-1.5 साल कुछ नहीं ऐसे फील हुआ, तो जब ज़्यादा टाइम हो जाता है 2-3 साल के बाद, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ने लगते हैं। कोई भी कैबिनेट हो या फिर कुछ भी, जैसे मेरे इस पे भी स्क्रैचेस आने लगे, तो वो भी एक मिस्टेक है कि मैंने यहाँ पर यूटेंसिल क्लीन करके रखने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप चाहेंगे कि उस साइड रख लूँ तो उस साइड क्या है, हमारे उस साइड यहाँ पर किचन एंड हो जाता है। सो ये एक मिस्टेक है कि यहाँ पर हमें काम करने के लिए स्पेस यहाँ पर ज़्यादा चाहिए था। एंड माई लास्ट मिस्टेक एंड 7th मिस्टेक इज कि अगर तो आप वाइट काउंटर टॉप के लाइक फैन हैं, दीवाने हैं, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आ जाता है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस और इसकी क्लीनिंग प्रॉपर, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसे मेंटेन करने में। तो जो मेरा काउंटर टॉप है वो वाइट है, लेकिन फिर भी इसे जितना भी आप लाइक मेंटेन करेंगे, लेकिन ओवर द टाइम जब आप 2-3-4 साल इसे यूज़ करेंगे तो इस पर ना स्क्रैचेस 100% आनी ही आनी है। लाइक स्क्रैचेस भी आती हैं, तो यूज़ करने जब बहुत ज़्यादा एरिया यूज़ होता है तो उस पर थोड़े से ना स्टेन्स अलग टाइप के, लाइक वो प्रॉपर उतना वाइट नहीं रहता, ऐसे वाले स्टेन्स भी आ जाते हैं। लाइक मेरे सिंक एरिया के नियर ऐसे काफ़ी सारे स्टेन्स हैं, एंड जहाँ पर मैं काम करती हूँ, रेगुलर काम मेरा होता है, लाइक यहाँ पर मैं रोटी बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ, तो ये वाले एरिए पर स्टेन्स हैं। इतने भी नहीं है कि दूर से विजिबल बिल्कुल नहीं होते, लेकिन मैं अगर पास से ध्यान से देखूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर स्क्रैचेस हैं। तो ऐसा है कि इसे मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है, और अगर आप इतनी ज़्यादा, आपको नहीं है वाइट का क्रेज, सो आप प्लीज़ किसी और कलर में जाएं, लाइक ब्लैक या कोई भी और कलर का मार्बल। सो वाइट को मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो ये तो था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको लगा हो कि लाइक आपको कुछ भी इससे गाइडेंस मिली हो कि हाँ ये वाली मिस्टेक करने से आप बच सको, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके जाना, बिकॉज वीडियो या मतलब इस वाली वीडियो में मैंने अपने किचन को यूज़ करके जो मेरा 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस है वो वाला मैंने इसमें डाला है कि मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब मिस्टेक्स लगी कि ये मुझे अवॉइड कर लेनी चाहिए थी या मैं कर सकती थी, तो वो वाला सारा एक्सपीरियंस मैंने इस वाली वीडियो में डाल दिया है।
प्लीज़ इसे अप्रिशिएट करें। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते हैं वो वाली वीडियो में माय किचन टूर में कि आपका फ्रिज कहाँ है, किचन में फ्रिज नहीं है, तो आपका सिलेंडर कहाँ है, सिलेंडर भी उसमें नहीं है हमारा, यहाँ वाली इस वाली किचन में सिलेंडर नहीं है, गैस कहाँ से आती है, और हाँ आपका वाटर फिल्टर कहाँ है, ये सारे मोस्ट कॉमन 3 ये क्वेश्चंस हैं कि पता नहीं लग पा रहा है उनको कहाँ है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने अपने सिलेंडर का अरेंजमेंट कैसे और कहाँ किया, और हमने अपने पुराने वाटर प्योरीफायर को यूज़ करके उसे कन्वर्ट कर दिया है बिल्कुल ब्रांड न्यू इस वाले वाटर प्योरीफायर में। ये वाला मेरा नॉर्मल वाटर का टैप है, और ये जो छोटा वाला टैप है ये वाला है हमारा वाटर प्योरीफायर का टैप, जो कि हमने अपना पुराना वाटर प्योरीफायर ही यूज़ किया है। तो कैसे किया सब अगर जानना चाहते हैं नीचे कमेंट करें। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।